बार फिर सभी का स्वागत। कड़ी पत्ता, मीठा नीम, कबाड़ और जुगाड़ के गमले और उसके बाद देखिए कितनी शानदार ग्रोथ। लोग उठपटांग बात कर रहे हैं, छाछ मतलब मठा, जबकि कोई सा भी पौधा उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ वर्नी कंपोस्ट किचन वेस्ट का उपयोग करें, आप खुद देखिए कितनी शानदार ग्रोथ। ये सब एक एक साल के पौधे हैं और ये सब मैंने बीज से और कलम से बनाए हैं। जल्दी एक वीडियो आने वाला है कलम से, मीठा नीम करी पत्ता का पौधा कैसे बनाएंगे, तो आप पूरा वीडियो देखें। इतना घना और इतने सारे पत्ते, कोई दवाई नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, उसके बाद आप खुद देखें कितनी शानदार ग्रोथ। ये पुराने तेल के डब्बों में मैंने लगाए रखे हैं, 15 लीटर वाले आयल के। June 11, 2021, ये मीठा नीम की ग्रोथ यहाँ पे रुक गई है। ये क्या मकान के नीचे रखा है छांव में, तो इसको रिपोर्ट करना है, एक गमले से दूसरे गमले में ट्रांसफर करना है। मैंने ये मिट्टी निकाल ली है, ये अब मैं इसको पूरा पौधा निकालता हूँ, इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना है। ये देखिए इसके अंदर ये इसके फल भी आ गए। इसको लगाने के बाद इसके मीठा नीम के करी पत्ता के पौधे आराम से बना सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ, दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने तेल के डब्बे का गमला बनाया है, इसके अंदर ये मीठा नीम वापस शिफ्ट करेंगे। मीठा नीम हो या कोई सा भी पौधा हो, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है बरसात चालू होने के पहले। ये देखिए, ये तेल का डब्बे का गमला बनाया है, ये देखिए कितने सारे नीचे छेद करे हुए मैंने, है ना, और साइड में भी, ये राइट एक साइड में भी है, ठीक है। और ये ऊपर का पेंदा नीचे रख दिया, ये ट्रे बन जाएगी और ये ऐसा गमला बन के तैयार हुआ है। ये पुराने तेल के डब्बे, इनके मैं गमले बनाता हूँ। वेस्टेज, कबाड़ और जुगाड़ के डब्बों से गमले। अब मैं सबसे पहले, जब भी आप कोई सा भी पौधा रिपोर्ट करें तो उसके अंदर आप, ये मेरे पास नीम के पत्ते हैं सूखे हुए, ये 2 महीने पहले मैंने रख लिए थे, इसको गमले के अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले पत्ते ही डालें, ये देखिए ये पत्ते डाल दिए। अब इसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं, वही पुरानी वाली, ये मैंने जो गमले में से निकाली ये पुरानी मिट्टी। इसके बाद ये किचन वेस्ट रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। पूरा भरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गमला पूरा मैंने मिट्टी से भर दिया है और सूखे पत्ते भी डाल दिए हैं उसमें, और पुरानी मिट्टी भी आ गई है गमले की। अब मैं ये पौधा उठाता हूँ मीठा नीम और इसको लगाता हूँ। ये देखिए इसको रखते हैं। अब इसके अंदर आउट साइड में मिट्टी डालता हूँ, मिट्टी डालने के बाद पानी लगा देंगे और कुछ दिनों बाद आपको फिर हम रिजल्ट दिखाएंगे। मैंने गमले में मिट्टी भर के तैयार कर लिया है और सूखे पत्ते भी डाल दिए इसके अंदर, वो गमले में बहुत सारे छेद होना, साइड में भी एक छेद होना। अब मैं ये गमले को निकाल कर गमले में रिपोर्ट करता हूँ। इसको ऐसा जमा दें और इसके आसपास फिर मिट्टी भर देते हैं, फिर इसके बाद पानी डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, फिर इसकी भी कटिंग भी करना पड़ेगी। अब ये मीठा नीम में मैं किचन वेस्ट, सूखे पत्ते की वर्नी कंपोस्ट खाद मिक्स सब लेकर आया हूँ। अब इसको गमले के आसपास भरेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे।
कुछ दिनों बाद आपको इसकी ग्रोथ दिखाते हैं। और इसकी जब कलम करेंगे तो ये कलम लगा देंगे, कलम से भी मीठा नीम का पौधा तैयार हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मिट्टी डालते हैं थोड़ी थोड़ी, ये किचन वेस्ट वर्मी कंपोस्ट खाद दो ही है, इसके अंदर केचुए भी आ गए हैं देखिए। पूरा भरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा गमला मिट्टी से किचन वेस्ट वर्मी कंपोस्ट खाद से भर गया है। अब इसको मैं ठोकूंगा और उसके बाद इसमें पानी डाल देता हूँ, इसके अंदर एयर नहीं रहना चाहिए। कोई सा भी पौधा हो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जब भी इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अब मैं कटर से इसकी कटिंग कर देता हूँ, इसकी कटिंग फिर जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो एकदम बढ़िया फिर ग्रोथ चालू हो जाएगी इसके अंदर। बरसात चालू होने के पहले करना पड़ती है, ये देखिए मैं यहाँ से इसको छाड़ देता हूँ मीठा नीम, ये देखिए है ना, इसको भी काट देते हैं। अच्छी ग्रोथ के लिए ये यहाँ से इसको भी ये देखिए ये कलम तैयार हो गई। कभी पत्ता की कलम से पौधा भी बना के बताएंगे आपको। ये सब हटा दें, एक और टहनी रह गई है उसको भी काट देते हैं। ये ले, ये कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये मेरे पास पहले से ही एक करी पत्ता का पौधा तेल के डब्बे में है और आप इसकी खुद ग्रोथ देखिए इतनी शानदार। फिर इसके बाद कलम से लगा हुआ पौधा भी दिखाता हूँ आपको, ये इस टाइप की 8-7 इंच की टहनी काटें करी पत्ता की और इसी नीचे से त्रिकोण काटें और उसी गमले में आप यहाँ लगा दें। 15-20 दिन में इसमें नए पत्ते ये ग्रोथ पकड़ लेगा। तो मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, ये देखिए ये मैंने जब इसकी कटिंग करी थी तो यहीं पे कलम लगा दी थी, ये देखिए एक इधर भी है ना, तो आप कलम से भी आसानी से बना सकते हैं करी पत्ता मीठा नीम का पौधा।